वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू प्लीज? यस सर। यस सर। यस सर। ओके सो लेट अस स्टार्ट अ क्लास। व्हाट वुड डिस्कस इन अ लास्ट क्लास प्लीज? हाँ जी दोरलीन, लास्ट क्लास में थे यार, क्या डिस्कस किया था हमने कल? सर यस्टरडे मेजरली वी हैव डिस्कस्ड थ्री राइट्स व्हिच वर बेस्ड ऑन नंबर 1 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, यस, नंबर 2 गांधीयन प्रिंसिपल एंड नंबर 3 इज लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल। ऑल द डीपीएसपी वी हैव डिस्कस्ड सर आफ्टर आर्टिकल 38 टू 47। ओके जो फर्स्ट सेट ऑफ जो प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर फर्स्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं प्लीज कोई बताएगा हमें? सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल बेस्ड हैं। हाँ जी सर, सोशलिस्टिक में आ जाएगा 38 जी, 39 बी एंड सी, आई थिंक 39 पूरा ही आ जाएगा। गर्लियन ओके सर, 39 पूरा आएगा। मैंने सारे ही प्रिंसिपल बताए हैं, कितने प्रिंसिपल थे 39 में? सिक्स प्रिंसिपल्स। ओके हाँ जी आगे। एंड सर 42 आएगा, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ओके सर 43 ए भी आएगा। 43 ए, यस, क्या है 43 ए? द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके हाँ जी, इसके अलावा सो 45 भी आएगा। 45 क्या है? राइट टू प्रमोशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 इयर्स। ओके बिलो द एज ऑफ 6 इयर्स। ओके यहां पर एक अमेंडमेंट हुआ था 45 में, आपने देखा था? यस सर, 86 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ओके 45 हमने शायद यहां पर 42 43 43 है एंड 47 भी डिस्कस किया था, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, देखा था आपने? क्या डिस्कस किया था? 47 45 शायद डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि 45 क्या है, ये एक न्यूट्रल प्रोविज़न है, सारे लोगों के लिए बनाया गया है और ये हम लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल में देखेंगे, ठीक है, सोशलिस्टिक में हम इसको नहीं रखे हैं। और 47 में आपने देखा कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ठीक है, कैसे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, क्या था वो ICDP इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और बाकी मैंने क्या डिस्कस किया था, कौन सी पॉलिसीज हैं जो बनी हैं उस बेस पे 47 में? मिड डे मील, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल के लिए क्या किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था, बच्चों को क्या दिया जाता है, कपड़े भी दिए जाते हैं, क्यों, स्कूल्स में आने के लिए बच्चे कि उनको यूनिफॉर्म भी दी जाए, क्यों, क्या है, नहीं यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड की जाए, उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जाए, तो किसी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कैसे की जाएगी, कब कहा जाएगा कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है? गर्लिन व्हाट आर द पैरामीटर्स? सो व्हेन द सिटीजंस ऑफ द कंट्री आर प्रोवाइडेड विद बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। नहीं नहीं, जैसे आप कभी कभार भी ऑलवेज यूज दैट, बहुत ही बैड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसकी, तो कब कहते हैं हम उसको देख करके, कि किसी व्यक्ति को देखकर हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक नहीं है, जैसे जैसे कल आपने बताया था कि हमारे आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, चार मर्सिडीज है और हाँ किसी के पास मर्सिडीज को छोड़िए 100 लोगों के सीट, मतलब बस में 100 लोगों के लिए बैठने की जगह भी नहीं है। हाँ जी, एटलीस्ट वी शुड बी प्रोवाइडेड विद अ राइट टू सिट इन अ बस एंड टू ट्रैवल efficiently. Okay, it means access to transport means some method, जो भी transport के method हैं, उन methods में से कम से कम एक method तो उनको provide किया जाए, क्यों? उसके साथ ही एक और चीज़ इसके साथ आती है, जब हम बात करते हैं standard of living की, तो standard of living में चीज़ें आती हैं जैसे साफ सफाई से रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने, गुरलीन क्या है कि people should be able to manage the cleanliness, मैनेज द एजुकेशन,
माइनस द लाइवलीहुड माइनस द फूड गुरलीन, ये क्या है? यस सर, ये सारी चीज़ें क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताती हैं कि जैसे सुबह शाम खाना मिले उन्हें, टाइमली साफ़ सुथरी जगह रहने को मिले, एजुकेशन मिल जाए उनको, उसके साथ ही मैंने क्या वर्ड किया था डिस्कस, क्या है, शेल्टर की भी हम बात करेंगे, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, अगर चाहे तो हम इन चीज़ों को भी रख सकते हैं। तो इसके साथ ही ये सब चीज़ें मिक्स करके अगर एक साथ रखी जाएँ तो एक पर्सन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखी जा सकती है। अच्छा, ही इज़ इन अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्लीनलीनेस भी आता है और उसके साथ ही उसको अवेयरनेस होनी चाहिए समाज में जीने की या सोसाइटी में रहने की, क्यों? Yes, ये इनको, ये क्या है, आपने देखा होगा स्कूल के दीवार पे लिखा रहता है, क्या है कि स्वच्छता, क्या है, आपने देखा होगा पेंटिंग्स बनी रहती हैं, साफ़ सफाई करें, कूड़ा यहाँ मत डालें, बहुत सारी चीज़ें अवेयर किया जाता है सोसाइटी को, ताकि क्या हो, बीमार ना पड़े, उनकी हेल्थ का ध्यान रहे, ठीक है, हाइजीन मेंटेन रहे, सैनिटेशन प्रॉपरली सैनिटाइज होता रहे हर चीज़। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है, कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बनाने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ता है, देर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज, मुझे लगता है कि रोज़ ही कोई ना कोई पॉलिसी मुझे लगता है फ्रेम होती होगी, क्यों सस्ती? Yes, sir. तो क्या है, समाज में, ये एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, वो एक दो तीन चार नहीं, 1,21,00,00,000 की बात की जा रही है यहाँ पर, कि ये जो लोग हैं इनके लिए सरकार क्या करे, व्हेन दे फ्रेम द पॉलिसी दे मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन 47, ओके 47 को ध्यान में रखें और उसके लिए पॉलिसीज बनाएं, ठीक है। अब बात आती है, हमने जो बात की थी इसके बाद 41 की भी हमने बात की थी, याद है, आर्टिकल 41, व्हाट प्रोवाइड्स आर्टिकल 41, सर, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। नो नो गुरलीन, इट डज नॉट प्रोवाइड राइट टू वर्क, यू डोंट हैव राइट टू वर्क, अधिकार आपको नहीं कि काम मांगने का अधिकार, राइट टू आस्क फॉर अ वर्क, ये क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है कि सरकार के लिए झंडा उठाकर खड़े हो जाओ कि नहीं नहीं हमको नौकरी दीजिए सरकारी। सरकार काम मांगने की बात कर रही है, क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए और उनको क्या किया जाए, सरकारी नौकरी की यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है गुरलीन। गुरलीन सर, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, मतलब राइट टू वर्क से ही चालू होता है। हाँ, एक बार स्टार्ट करिए गुरलीन, फिर बताते हैं आपको। ये लिखा है सर, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, आप पूरा मतलब ये हेडिंग है। हाँ जी, हाँ जी, आप पूरा रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन। बस यहाँ पर क्या पता चला आपको, जो आगे की लाइन है उन्होंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है स्टेट को, क्या है, विद इन इकोनॉमिक कैपेसिटी। गुरलीन, विद इन द इकोनॉमिक कैपेसिटी, क्या करिए स्टेट, ये आगे वर्ड यूज करेंगे, क्या है, एंडीवर है या क्या वर्ड यूज, सिक्योर, क्या लिखा है बताइए, स्टेट शैल, सर, द स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, यस, स्टेट शैल मेक इफेक्टिव ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि ये राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसको राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट के तौर पे तब देखा जा सकता है। एक केस आया था, उस केस का भी नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कौन सा केस था कोई बता सकता है, राइट टू वर्क की बात की गई थी जहाँ पे, आई थिंक बंधुआ मुक्ति नहीं है, कोई केस एक है इसके ऊपर, राइट टू वर्क के ऊपर, दैट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन राइट, फंडामेंटल राइट के लिए, ठीक है, उनको इसको 41 के साथ जोड़ करके उन्होंने कहा था कि ये क्या है, इट विल बी कंसिडर, इट हैज़ बीन गिवन एज अ स्टेटस राइट टू वर्क एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। गुरलीन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या है, yes, sir. कि जनरली इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, स्टेट्स आर एंडेवर टू प्रोवाइड और सिक्योर, क्या सिक्योर करेगा, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ, किस केस में, किन केसेस में, अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ओके, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा जनरली समझा देता हूँ, प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, अगर हमारे देश में सारे यूथ ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, तो स्टेट को क्या करना चाहिए बताइए,
क्या करना चाहिए? सो द स्टेट शैल जनरेट एम्प्लॉयमेंट. जनरेट एम्प्लॉयमेंट, किस तरीके से जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट, प्लीज कोई बताएगा हमें? इंडस्ट्रीज लगा सकती है. देखिए, आपने भी एक योजना का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय कौशल, क्या है वो, एक मिनिस्ट्री है हमारी, क्या है, स्किल डेवलपमेंट, क्यों, कौशल विकास, कौशल विकास, हाँ कौशल विकास. तो ये स्किल डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री बनाई गई, किस लिए बनाई गई, कि जो लोग, देखिए ऐसा है कि ट्रेंड और अनट्रेंड दो तरीके की वर्क होते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट शशांक? क्या होता है, ट्रेंड एंड अनट्रेंड वर्क, ठीक है. तो ट्रेंड वर्क में अगर हम बात करें तो आप वो जुडिशरी का काम ले लीजिए, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आप जज बन जाते हैं, ठीक है. और अगर ट्रेनिंग में और बात करें तो फिटर या फिर वो कंप्यूटर या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक या बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ट्रेंड वर्क है, ठीक है. इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. लेकिन अनट्रेंड वर्क में आप अगर देखेंगे तो आप बीए करने के बाद आपको कुछ काम मिलता है क्या, कि आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जो ट्रेंड वर्क कर सकते हो? शशांक, सारे ग्रेजुएट्स जो हैं उनके पास अगर कोई डिप्लोमा नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, हाँ स्किल्ड अनस्किल्ड, करेक्ट संध्या, स्किल्ड हो सकता है अनस्किल्ड हो सकता है, करेक्ट. तो ये क्या है कि अनस्किल्ड वर्क, जहाँ जहाँ अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनको कोशिश की जाए कि जहाँ उनको 2000 मिल रहा है उनको कितना मिले, 5000 मिले. लेकिन कब मिलेगा 5000, जब वो स्किल्ड स्किल्ड लेबर हो जाएंगे. तो स्टेट को क्या प्रोवाइड कर देना है उनको, उनको स्किल प्रोवाइड करनी है. जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जो लोग अगर उत्तर प्रदेश परिवहन में काम कर रहे हैं, वहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जहाँ पर क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग होती है गाड़ियों की, वहाँ पर लोग लेबरी का काम करते हैं, ठीक है. तो अब वो लेबर्स जो हैं ग्रेजुएट लेबर्स हैं, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं, ना ITI की उन्होंने, ना ही कोई डिप्लोमा लिया, ना पॉलिटेक्निक किया है. तो अब क्या है, वो सिर्फ ग्रेजुएट होने, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो क्या काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड वर्क कर रहे हैं. लेकिन अगर कोई सरकार स्कीम चलाए और उसी के अंदर ही उनको 2 घंटे क्लास दी जाए, शशांक, यस, दे कैन बी प्रमोटेड, दे कैन प्रमोटेड टू स्किल्ड वर्क, बताइए शशांक. यस, अगर उनको 2 घंटे वर्कशॉप किया जाए, उनको 2 घंटे डेली अगर सरकार की तरफ से दिया जाए और उनको कहा जाए कि आप ये 2 घंटे करिए और साल भर ये करने के बाद आपको स्किल्ड वर्क में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, इट विल बी अ डेवलपमेंट. यहाँ पर इन्होंने जो बात की है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि राइट टू वर्क की बात की, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस, ये इंडक्शन ट्रेनिंग, करेक्ट. तो ये क्या है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, हो सकता है आपको शुरुआती दौर में कम पैसा, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, बट थ्रू दिस इंडक्शन ट्रेनिंग एक्सप्लॉयटेशन कैन बी प्रिवेंटेड. अगर वो पर्सन चाहता है कि अपने जीवन में बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लेना, तो क्या करेगा, ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग करने के बाद उस मशीन के बारे में जानेगा और उस मशीन से काम करना शुरू कर देगा. अदरवाइज वो क्या करता रहेगा, लेबरी करता रहेगा. मतलब अदरवाइज वो क्या है, अनस्किल्ड वर्कर की तरीके से लाइफ टाइम काम करेगा, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी. आर यू गेटिंग माई वर्ड? तो ये जो पॉइंट्स हैं कि टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी. जैसे मैंने आपको कहा था कि पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, जैसे कि आपने देखा कि चैरिटी के बहुत सारे खुले हुए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं उनको, वृद्धा आश्रम हैं, ओल्ड एज होम हैं, तो इनको सबको चलाया गया है इसीलिए कि अगर बाई चांस किसी ओल्ड एज पर्सन को उसके घर वाले छोड़ देते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, उसकी सुरक्षा कौन करेगा शशांक? गवर्नमेंट. ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ यस ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ पेरेंट्स पैट्रिया, स्टेट शैल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दैट ओल्ड एज पर्सन एंड इन द सिकनेस, डिसेबिलिटी, एवरी टाइम. आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारे ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, आपने देखा है, आपने देखा होगा निकलते हुए दिल्ली में. अब अच्छा दिल्ली में तो मतलब यहाँ पर एक वो भी बनाया गया है, आपको याद है एक केस का नाम मैं बात करता हूँ, बिहार के केस की बात कर रहा हूँ मैं, क्या नाम था उस केस का जहाँ पर प्रिजनर्स की आंखों में तेजाब डाल दिया था? हाँ जी, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या डायरेक्शन इशू किया गया? हाँ जी, क्या डायरेक्शन इशू किए गए उन्हें, उन्हें प्रॉपर होम प्रोवाइड किया जाए, एक रिहैबिलिटेशन किया जाए, कहाँ पर,
रिहैबिलिटेशन कहाँ पर किया जाए? दिल्ली में, दिल्ली में दिल्ली दिल्ली में में रिहैबिलिटेशन किया जाए उनका, और ठीक है उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए। तो उन्हें दिल्ली में, यहाँ पर बहुत सारे बने भी मैंने देखा है, ऐसे मुखर्जी नगर में भी मुझे एक जगह दिखता है ऐसा, ठीक है। तो उनको लाइसेंसेस प्रोवाइड की गई। अभी आप देखेंगे, मैं देखता हूँ खासकर दिल्ली में देखता हूँ कि उन्हें लाइसेंसेस मिली हुई हैं। वो लाइसेंस रात में 12 बजे के बाद भी वो शॉप खोल सकते हैं, पता है आपको मोहसिन? नो सर। हाँ, मैंने देखा है कि क्या है, उनके पास लाइसेंस है, और लाइसेंस वो क्या है कि वो लाइसेंस उनकी जो है वो 24x7 भी शॉप खोल सकते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ कि रात में अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं देखता हूँ उन सब की शॉप्स खुली रहती हैं, बाकी सारी शॉप बंद रहती हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि वो अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों को, या उनके बच्चे हैं या नहीं हैं, या हैं अगर तो बहुत सारी चीज़ें उनकी क्या है पढ़ सकते हैं दिन में, शाम को उनको लाइसेंस मिली हुई है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये सिक्योर करना है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अंडर आर्टिकल 41। ये क्या है, क्या सिक्योर करना है स्टेट को, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर ये होता है कि तीन तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। एक, राइट टू वर्क इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? ससांग, व्हाट विल द आंसर? ससांग 41। हाँ ओके, लेकिन इसके साथ ही अगर वो पूछते हैं कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 41, तो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस एंड सोशल सिक्योरिटी। हाँ जी, सोशल सिक्योरिटी। यस। ये आप इतनी जल्दी यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने प्रोविजन को बहुत ही अच्छे से देख लिया है, ठीक है। लेकिन अक्सर जल्दबाजी में गलतियाँ होती हैं, लोग आंसर इसका क्या करते हैं, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, पब्लिक असिस्टेंस या एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन कहाँ दी गई है, फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 21 में, 21A में। यस यस, बहुत यस बड़ा सर। कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे किस तरीके के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, और इसका सब्जेक्टिव है। कैसा सब्जेक्टिव? इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड द डिसेबिलिटी, ये कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पर से भी क्वेश्चन बनाया जाता है, अगर बनाना चाहे कोई क्वेश्चन तो क्या बना सकता है, व्हाट आर द कंडीशन, इन दैट कंडीशन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर द वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। नीचे एक ऑप्शन दे देंगे, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाना है प्लीज। क्या क्या वर्ड है यहाँ पर, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ डिसेबिलिटी, अनडिजर्व। डिसेबिलिटी, डिसेबलमेंट नहीं, डिसेबिलिटी। ओके, तो फिर शायद गलत लिखा है इसमें। नयन, सो डिसेबलमेंट ही लिखा हुआ सर, है। डिसेबलमेंट ही है। ओके ओके, ठीक है, करेक्ट कर लेता हूँ मैं। आई थिंक मैंने नोट किया है डिसेबलमेंट। ओके, एक्चुअली बात एक ही है, डिसेबलमेंट, डिसेबिलिटी, लेकिन वहाँ पर वर्ड क्या दे रहे हैं ये चीज़ है, ठीक है, डिसेबलमेंट। ओके करेक्ट न्या? जी हाँ जी, सर। हाँ जी, ओके थैंक यू। आगे हम बात करते हैं आज गांधीयन प्रिंसिपल की, और गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में हमने बात कर रखी है पहले से ही। कौन कौन से प्रिंसिपल डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ऐश्वर्या? सर मैंने नोट नहीं किया था वो वाली वाला पार्ट। एक्चुअली पता है, सब लोग, तुम लोग पता है, कभी कभार मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब अब मुझे लगता है ऐसा या है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ऑफलाइन अगर होता तो मैं आपकी कॉपी देख सकता था, या मैं देख सकता कि डिमिनर क्या है। पता है अभी मुझे डेमिनर नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूँ मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज़ अ डेमिनर? भाव भंगिमा यस, भाव, भाव भंगिमा जिसको बोलते हैं, डेमिनर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तुम लोगों का। ये तुम्हारी जो डीपी है इस पर जितनी अच्छी डीपी लगा दोगे तुम उतने अच्छे दिखोगे, मुझे पता है, और वो कैसे भी डीपी हो। लेकिन ओरिजिनल करेक्टर क्या है तुम्हारा, ये मैं नहीं अभी समझ पाता हूँ। इसलिए नहीं समझ पाता हूँ क्योंकि कभी कभार मैं हार्श हो जाता हूँ तो पता चलता है कि नहीं, इट्स मिस्टेक, मेरी गलती हो गई, नहीं होना चाहिए था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स ऐसी हैं ना कि वो प्रॉब्लम्स पर्सन टू पर्सन वरी कर रही हैं इस ऑनलाइन क्लास में। ज़रूरत
ऐसा भी है, जैसे अगर मैं जिस समय मैं क्लास, अगर तुम्हारी एज में मैं अगर होता और ऑनलाइन क्लास ले रहा होता घर से या गांव से, तो बहुत प्रॉब्लम होती मुझे, बिजली नहीं आ रही है, बैठने की जगह नहीं है, प्रॉपर रूम नहीं है, क्योंकि ऐसा एक्चुअली होता है गांव में। गांव में क्या होता है, किस तरीके के घर होते हैं बताइए, कैसे घर होते हैं? नहीं नहीं मिट्टी 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 के नहीं होते हैं अब। लग रहा है गांव गई नहीं हो बहुत सालों से तुम अनामिका। फिर बिजली बहुत फ्लक्चुएट होती है बिजली, और काफी लार्ज फैमिली होती है तो काफी लोग घर पे होते नहीं हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि दी स्ट्रक्चर ऑफ दी बिल्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। अगर मैं 10 साल पुराना देखूं, अब तो बहुत अच्छा अच्छा लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छे अच्छे आजकल तो मैप से लोग बनवाते हैं, गांव में भी अब वो चीज़ नहीं बची। लेकिन जब मैं अपनी बात करता हूं तो उस समय कैसे बिल्डिंग्स थी कि चारों तरफ कमरे होते थे और बीच में आंगन होता था, एंड जो कमरे होते थे उन कमरों में कोई नहीं लेटता था, ना कोई बैठता था उनमें जा करके, उनमें सिर्फ सामान रखा जाता था, पता है? हाँ सर, हमारे यहाँ अभी भी है। अभी ऐसा बहुत जगह है, और जो पुराने जिन लोगों के घर हैं वो ऐसे ही हैं। सारे घर के लोग आंगन इस्तेमाल करते थे, कोर्टयार्ड इस्तेमाल करते, यानी कि महिलाएं अंदर का कोर्टयार्ड इस्तेमाल करती थी और पुरुष बाहर का बाहर बाहर का का कोर्टयार्ड इस्तेमाल करते थे, ठीक है? और उस कोर्टयार्ड में क्या होता था कि रात में अगर सोने की भी बात अगर की जाए तो उस आंगन में ही सोते थे, पता है? 80% लोग, इंटरनल और आउट एक्सटर्नल दोनों ही। अब थोड़ा सा समाज बदला है, एक साथ ना तो कोई बात करता है, ना कोई कहानी सुनाता है, ना ही कोई आपस में, जैसे दादी बाबा ये सब तो खत्म ही हो गया आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है? क्योंकि अब बाबा दादी के पास बैठने का मतलब है, मतलब कि शायद बड़ी मुश्किल से आधा घंटे एक घंटे कोई बैठता होगा, या पुरानी बातों को जानने की कोशिश करता है, लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने आप को इंटरटेन करते हैं, ठीक है? ओरिजिनल ये सब नहीं होता। तो बात ये आती है कि जो सरकमस्टेंसेस हैं वो अभी भी आपकी मैं नहीं समझ पाता हूँ। हो सकता है कि आप पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं आप बस में हैं, ट्रक में हैं, या घर में हैं, घर के बाहर हैं, छत पे हैं, कहाँ हैं, आई डोंट नो। बट आई ऑलवेज एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट बी इन अ प्रॉपर प्लेस, बिकॉज अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर प्लेस 1-2 दिन में आपको क्या कर लेना चाहिए, इंश्योर कर लेना चाहिए। तो ये डेमिनर ना होने की वजह से कभी कभार मुझे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। वैसे आपने नहीं लिखा है, आप नहीं लिख रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पर उनके टीचर्स ने पढ़ा दिया है, तो वो यहाँ पर सोचते हैं कि मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ सुन लेता हूँ बात तो रिवाइज हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें सारी यूनिवर्सिटी के लोग जो भी हैं वो उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो जुडिचरी की प्रिपरेशन कराता है और सुन करके तुम जुडिचरी निकाल लो, और अगर आज नहीं लिखोगे तो कहीं और जाकर के पहले कोचिंग करोगे और फिर लिखोगे वहाँ बैठ के, मैं गारंटी लेता हूँ। राहुल साइंस में जाओगे ना, लिखना पड़ेगा, तुम ये नहीं कह सकते नहीं सर हम लिखेंगे नहीं, नहीं लिखोगे तो अपने घर जाओ, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप नोट नहीं करेंगे, आज मैंने बोल दिया, जैसे अभी यहां पर मैंने क्या बात करी पीछे भी, अब कोई वर्ड जैसे मैंने डिमिनर ही बोल दिया, आपने पहले नहीं कभी सुना था तो आपने नोट कर लिया, इसका मतलब क्या है बाद में देख लेंगे डिमिनर क्या होता है, ठीक है? आपको इंग्लिश भी वोकैब बढ़ानी है, जनरल नॉलेज भी बढ़ानी है, लॉ के साथ साथ ये इंसिडेंटल चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं जनरल नॉलेज के लिए आप 10 दिन पढ़ेंगे, 1 महीना पढ़ेंगे, 10 साल पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, रोज ऐसे धीरे धीरे करना है। हाँ ऐश्वर्य, अगर हम बात कर सकें तो गांधीयन प्रिंसिपल की हम बात करते हैं जनरली, कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स थे देश आज़ाद होने के बाद जिन प्रिंसिपल्स को कोशिश की गई कि इनको धीरे धीरे करके देश में लॉ बना दिया जाए, पॉलिसी बनाई जाए उन प्रिंसिपल को, क्योंकि गांधी ने इतने साल अपने उन प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क किया, देश को आज़ाद कराया, तो देश को और भी काम करना चाहिए और ये प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल बनने चाहिए। तो प्लीज हाँ अनामिका या गुरलीन, क्या प्रिंसिपल्स थे? हाँ सर, आर्टिकल 40 जी विच सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यस एंड इट इज गिवन अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके, सेल्फ एंड गवर्नेंस की बात की गई थी देश आजाद होने से पहले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पूर्ण स्वराज की मांग कहां पर की गई, किस अधिवेशन में की गई, 1929 कांग्रेस कहां पर, अधिवेशन कहां पर, कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था? क्यों शशांक? करा कराची, कराची कराची 1929 कराची अधिवेशन, ठीक है?
तो ये जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई और ये सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही थी क्या, कि स्वायत्तता की बात हो रही थी कि हमको ये शासन मिले, खुद हम शासन करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल देश आजाद होने के पहले इस प्रोविजन को रखा गया कि स्टेट क्या करे, स्टेट पावर को डिसेंट्रलाइज करे। आपने सुना होगा पावर करप्ट अब्सोल्यूट, पावर करप्ट अब्सोल्यूटली, क्या है पावर करप्ट एंड अब्सोल्यूट पावर करप्ट अब्सोल्युटली। तो अगर किसी को, व्यक्ति को अगर शक्ति मिलती है और वो पावर उसको मिलता है तो वो हो सकता है वो करप्ट हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर उसको एब्सोल्यूट पावर मिल जाता है तो ये श्योर है कि वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। करप्ट गुंजन लाहौर सेशन, कराची लाहौर ही है गुंजन, एम आई ऑडिबल? यस सर। गुंजन कराची का है, कहाँ है ये, लाहौर में ही? हाँ जी, हाँ क्या बता रहे थे बताइए प्लीज। गुरलीन सर अगर एक एक ही इंसान के पास पूरा पावर चला जाएगा तो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा हाँ जिसके कारण डेमोक्रेसी मतलब वर्क नहीं कर पाएगी। ओके okay, जो प्रिंसिपल है हमारे गोल्डन गोल्स हैं जिनकी बात की गई है, प्रिया जो हमें बताया कि ये डेमोक्रेसी इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहेगा एक ही जगह अगर पावर सेंट्रलाइज रहेगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात हुई। पंचायत को कहा गया कि पंचायत एट वेरी लो लेवल पंचायत रखी जाएंगी ताकि हर व्यक्ति का जो कि 18 साल से ऊपर है वो क्या करेगा, एडल्ट सफरेज है जो, वो क्या कर पाए अपने इलेक्शन में, देश के डेमोक्रेसी में उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यस, पंचायत के बारे में हमने बात किया था, अभी मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के जरिए पार्ट 9A 9 एंड 9A एडेड कब जोड़ा गया बताइए, 1992, 73rd अमेंडमेंट एंड 4th अमेंडमेंट 1992, इंसर्टेड 9 एंड 9A शशांक, एंड शेड्यूल 11 एंड 12th वर एडेड, ये दोनों शेड्यूल जोड़े गए। हाउ मेनी एंट्रीज इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, सॉरी शेड्यूल 11 एंड 12, 11 में पंचायत था, शेड्यूल 11 में 29 एंट्रीज है यस और शेड्यूल 12 में 18 एंट्रीज है। 18 एंट्रीज, ओके करेक्ट। तो ये जो बात की गई म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की, तो ये सारे प्रोविजन जोड़े गए वहाँ पर, डिसेंट्रलाइज किया गया पावर। तो कोशिश की गई कि ये पावर बना रहे, डिसेंट्रलाइज रहे, पंचायत बने, पंचायत को सेल्फ गवर्नेंस की बात है तो लोग सेल्फ गवर्न हो, ठीक है। इसके साथ ही एक और प्रिंसिपल था, कॉटन इंडस्ट्री, सॉरी कॉटेज इंडस्ट्री की बात हुई। आर्टिकल 43 है, हाँ जी हाँ जी, कॉटेज इंडस्ट्री, तो ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। आपने देखा कि क्या है, स्वदेशी अपनाओ, तो हथकरघा उद्योग और हथकरघा जो भी हम बात करें कि यानी कि खुद से बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉपरेटिव सोसाइटीज़ या कॉपरेशन के जरिए मतलब जो है रूरल एरियाज़ में उनको इस्टेब्लिश किया जाए, ये भी गांधी जी का ही प्रिंसिपल था। क्यों, क्योंकि लोगों को काम तभी तो मिलेगा ना। बताइए, आपने देखा होगा ना कि कभी आपने देखा होगा कि पहले डलिया आती थी, बहुत कलर्ड कलर्ड डलिया आती थी, याद है आपको लोगों को? आप लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो। वो जो देखी तालाब के किनारे से, थी तालाब के किनारे से एक घास होती है उसको निकाल करके और उसको क्या किया जाता है, मोटी सी घास को घुमा घुमा के, घुमा घुमा के एक डलिया बनाई जाती थी, उसके ऊपर कलर किया जाता था फिर जिस कलर का उसको करना है। क्यों, पहले बहुत प्रैक्टिस में था ये, अब तो पॉलिथीन आ गई और अब स्वेट ये सूट केस, ब्रीफ केस और ये सारी चीज़ें आ गई। पहले लोग जो अक्सर वुडन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। क्यों शशांक? तो उन यस सर चीज़ों का इस्तेमाल करके, पिंक एंड ग्रीन कलर भी बहुत सारे कलर्स हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। और अभी आप थोड़ा सा नीचे उतरेंगे दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन से नीचे जैसे उतरेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे हिल स्टेशन में, वहाँ पर अक्सर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बात यह है कि इन चीज़ों का इसलिए इन्होंने कहा कि लोगों के पास कैश कैसे आएगा। शशांक सर, इट विल गिव द अपॉर्चुनिटी कि लोग उससे काम भी होगा, हाँ जी बाहर की चीजें भी नहीं आएंगी, इंपोर्ट कम होगा, उससे कारण बाहर पैसा भी नहीं जाएगा। हाँ, और कैश प्राइस भी उनके पास, कैश क्या होगा, उनके पास कैश फ्लो भी होना शुरू होगा, उनके पास कुछ पैसा भी रहेगा, वो अपना खुद का बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें अपने दिल्ली हाट में देखा होगा, बेचने आते हैं कभी कभी यहाँ पर, लगता है वो बाहर से इंडिजिनियस चीज़ें होती हैं जो
लेकर के आते हैं, वो सब बेचते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा कि ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, हर आदमी अपनी स्किल को इस्तेमाल कर पाए। कॉटेज इंडस्ट्री की बात जहाँ तक है, या फिर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इंडिविजुअल और कॉपरेटिव बेसिस रूरल एरियाज़ में किसी भी तरीके का काम कोई करना चाहता है, जो वो जानता है उसको करने का प्रमोशन किया जाए। आपने देखा होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार ऐसी पॉलिसीज़ बनाती रहती है कि पशु, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनको पालने के लिए भी पैसा देती है, पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए पैसा देती है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ को वो फ्रेम करती है जिससे लोग वहाँ पर अपना रोज़गार बना पाएँ। ठीक है, यस। 43 बी की हम बात करते हैं, कॉपरेटिव सोसाइटीज़। व्हेन दिस 43 वाज एडेड, 97th अमेंडमेंट, जी हाँ, इसके बारे में, 2011. इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे 43 अमेंडमेंट के बारे में, 43 बी के बारे में, कि कॉपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएंगी। एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी अभी अभी मिनिस्ट्री बनाई गई है, आपको पता चला होगा। हाँ जी, मिनिस्ट्री, हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन तैयार की गई 2021 में ही, इसको इस्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। इसके साथ ही 46 में क्या दिया है बताइए, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, हाँ, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। जी हाँ, एक एक मैं इलस्ट्रेशन दूंगा, इससे आपको ये 46 याद हो जाएगा हमेशा के लिए। आई थिंक अगर लैंड लॉ की हम बात करें तो यू कैन नॉट परचेज द लैंड होल्डिंग ऑफ एससी एंड एसटीज, जनरल पर्सन कैन नॉट परचेज द लैंड होल्डिंग, एंड देयर इज अ प्रोविजन दैट आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर then he can sell that property to any non-reserved person. I think you all know about this. Yes sir. कोई भी व्यक्ति SDM से परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ जी, वो कलेक्टर होगा जो भी वहाँ पर, वो परमिशन देगा, उसके लिए प्रोविजन दिए गए हैं यूपी लैंड लॉ और बाकी जिम्मेदारी एबोल्यूशन, और उसके बाद ये जिम्मेदारी एबोल्यूशन में दिया गया। हाँ, तो ये क्या है कि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लैंड लेस हैं, तो सरकार क्या करती है, उनको लीज पर पट देती है जमीन। क्यों, पट्टे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे जब प्रधानी होती है तो, सर, सर। तो पट्टे दिए जाते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, लैंडलेस हैं, घर चलाने के लिए एकदम कुछ नहीं है। इनको कहा कि एजुकेशन, क्या लिखा, प्रमोट एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल पार्टिकुलरली दैट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ वर्किंग, क्या लिखा है, ये वीकर सेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा खासकर, तो मैं यही बात कर सकता हूँ भी कि इनको लैंड होल्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है, लीज पर दी जाती है, लेकिन मैंने बहुत बड़ा फ्लॉज इसमें एक चीज़ देखी है कि ये जो लीज होती है, जो सरकार ज़मीन देती है, हर साल पट्टा करती है इन लोगों को, हर साल या दो तीन साल पे, चार साल पे नहीं है अगर किसी के पास, इन लोगों को ये होता है कि 3 साल के बाद इसको रेगुलराइज किया जाता है। क्यों देवेंदु, एम आई ऑडिबल, शशांक, नहीं सर मुझे नहीं, तो अगर आप इसके बारे में विशेष कर बताएं। हाँ, ये जो वीकर सेक्शन, इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, तो इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। और हाँ, इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रोविजंस बनाती, जैसे यूपी लैंड लॉज में, यूपी लैंड लॉज में आपने देखा कि सरकार इनको लीज पर जमीन देती है, जमीन देने के बाद ये उस पर कल्टीवेशन करते हैं, अगर वो अच्छे से कल्टीवेशन करते हैं और या फिर वो प्रॉपरली करते हैं कल्टीवेशन, तो इसको रेगुलराइज कर दिया जाता है, इनको प्रॉपर पोजीशन दे दी या प्रॉपर ओनरशिप दे दी जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ्लॉज है, जैसे इनके पास ओनरशिप आती है, ये ऑलवेज मतलब 80% मैंने देखा है कि ये लोग क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। और सेल आउट इसलिए कर देते हैं क्योंकि दारू पीते हैं या फिर कोई और इनके साथ माल प्रैक्टिस है इनकी, जो वो उसमें पड़ जाते हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं होती है। इस एजुकेशन के ना होने की वजह से ये जो सरकार इनको देती है उसको क्या करते हैं, औने पौने दाम पे इसको बेच देते हैं। उसके बाद फिर से सरकार इनको, क्योंकि 3 साल बाद वो जमीन सरकारी, जो जमीन होती है वो इनकी ओनर हो जाते हैं, फिर से सरकार ये लैंडलेस हो जाते हैं, उनको फिर से सरकार लैंड देती है, 3 साल कल्टिवेट करते हैं, फिर से उसको सोल्ड कर। तो ये क्या है, मैंने ऐसे ऐसे घरों में देखा है जिनमें दो दो तीन तीन बार पट्टे मिल चुके हैं लेकिन उनके पास एक भी बीघे जमीन नहीं, लेकिन तब भी सरकार क्या करेगी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 46, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार को क्या करना है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है सर, सोशल गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। 46 कहता है कि
सेल्फ प्रमोट, स्टेट सेल्फ प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन प्रमोट करेगी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन को कोशिश करेगी कि इनको प्रोटेक्ट करे, एजुकेशन मिलेगी तो हो सकता है 10-20 घर जिन लोगों को दो दो तीन तीन बीघे दिया था उनमें से दो घर भी अगर नहीं बेचेंगे तो हो सकता है वो डेवलप हो जाए, उनकी इकोनॉमिक स्थिति बढ़िया हो जाए और उनको एजुकेटेड फैमिली वो बन जाए। वैसे होता है, मतलब मैं करीब अगर 10 लोगों को पट्टे किए गए होंगे तो उनमें से दो ने बेचा होगा, 8 लोग कम से कम उन पट्टों के साथ लीज के साथ उसको अपना बना करके उसको वर्क करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की रहती है। ये गांधीयन प्रिंसिपल आपने डिस्कस किया। व्हाट इज 46, क्या है आर्टिकल 46? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटी एंड अदर वीकर सेक्शंस। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द 47। What is Article 47? Please. What Article 47 provides? It talks about the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. Yes. And? And? Yes, sir. The state shall... Padhu main, sir? Haan ji, haan ji, haan ji. The state shall regard the rising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. And in particular, the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. Okay. So, आपने देखा कि एक तो क्या है right to health. इनका क्या है कि स्टेट शुड टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव अ पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ के लिए सरकार ने क्या कर रखा है, कौन सी ऐसी योजनाएं चला कर रखी हैं, कोई बताएगा मुझे? बताइए। टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। सर अभी रिसेंटली एक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आया, आयुष्मान भारत। हाँ जी, ये तो एक तरीके का मतलब मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, लेकिन इससे पहले करना है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव। जैसे मोहल्ला कोई बीमार हो गया तब तो उसको दवा सरकार दिलवाए अलग चीज आ जाती है, लेकिन उससे पहले ही पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है, बीमार होने तक नहीं उससे पहले ही। जैसे डेंगू के समय में आपने देखा होगा क्या होता है, उससे पहले ही क्या होता है, छिड़काव शुरू होता है। म्यूनसिपैलिटी क्या करती है, प्रिकॉशंस लेती है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कि कोई बीमार ना हो, कोई पेंडेमिक या फिर एपिडेमिक या फिर किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए वो इम्प्रूवमेंट उसके लिए या क्या लिखा है, टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। और पब्लिक हेल्थ बीमारी के बाद नहीं, बीमारी के बाद तो फिर तो अलग चीज़ है, तो अब आप इंश्योरेंस कर दीजिए उसका 10 लाख रुपए दे देंगे कोई मर गया अगर, तो ये पब्लिक हेल्थ का इशू नहीं है, सोशल सिक्योरिटी है। क्यों शशांक? टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनल, अगर आपको इम्यूनेशन अगर आपका अच्छा है, यू आर इम्यूनाइज, तो ये जैसे वैक्सीन, करेक्ट, क्या है ये कॉम्प्रिहेंसिव वैक्सीन प्रोग्राम्स और प्री पेंडेमिक सॉल्यूशन, प्री एपिडेमिक सॉल्यूशंस, कोई भी ऐसी दिक्कत है जो कि लगता है कि हाँ ये इस सीजन में आती है, उसके लिए पहले से ही तैयार होना। आपने देखा कि वायरल फीवर होता है तो लोगों को बताना कि डेंगू है, ये होने के चांसेस है, साफ सफाई रखिए, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। एंड सबसे एक दिक्कत है कि विच इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, अगर कोई ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है या ड्रग है विच इज़ इंजूरियस टू द हेल्थ, दैट शुड बी प्रोहिबिटेड। लेकिन ऐसा दारू के साथ क्यों नहीं है प्लीज? क्योंकि सर उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू स्टेट कलेक्ट करती है। रेवेन्यू कलेक्ट करती है, हाँ जी। सिगरेट, फेफड़ा सब दिखा देते हैं वो, तो उसमें सिगरेट में कि हाँ ये सड़ जाएगा, कैंसर हो जाएगा आपको, उसके बाद भी लोग खाते हैं उसको। सर उसकी मेकिंग कॉस्ट है उससे बहुत परसेंटेज में हाई लेवल पे उसमें उस पर टैक्स लेती है गवर्नमेंट और उसको अच्छे कामों के लिए यूज करती है, लाइक तो हाउ 47 विल बी प्रोटेक्टेड अगर ऐसा करती है, पैसा इसलिए लेती है, लोगों की जान इसलिए जाए कि
हम अच्छे डेवलपमेंट प्रोग्राम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। हाँ जी सर वो लोगों से बोलते हैं कि आप पी रहे हो तो अकेले में पियो, तो पब्लिक स्मोकिंग बैंड होती है, ओके। तो अब मतलब अगर आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हो तो अपनी सेहत को ये जो नुकसान पहुंचा बात रहे है, दूसरे को मोहसिन ने दिक्कत। ठीक कहा, मोहसिन ने ठीक कहा। क्या कहा है? टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव अ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में क्या है? आप इंडिविजुअल, आप गांजा पीना चाहें, चरस पीना चाहें, वीड पीना चाहें, आप जो करना चाहें, बिकॉज यू हैव अ फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट ओवर राइड फंडामेंटल राइट। क्यों शशांक? यस सर, इंडिविजुअल हेल्थ वर्सेस पब्लिक हेल्थ। यस, पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है कि पब्लिक में ना तो कंजम्पशन होगा इंटॉक्सिकेंट का, ड्रिंक्स का, ड्रग्स का, बाकी पब्लिक हेल्थ जो है वो क्या है, उसके साथ ही ये धूम्रपान या पब्लिक धूम्रपान है, या और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी इंजीरियस ड्रग्स हैं जिनको प्रोहिबिट किया जाएगा, ठीक है, जो क्या है, जो कि पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट करती है या हेल्थ को भी इफेक्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा बिहार में बैन है, यस इंटॉक्सिकेशन, तो किस लॉ के जरिए बैन है? बिहार एक्साइज एक्ट, नहीं, ये एक्ट बिहार किस किस प्रोहिबिशन पॉलिसी एक्ट में, किस डीपीएसपी के जरिए इसको देखा जा सकता है? 47 के अंदर सर, फोर्टी पब्लिक सेवन हेल्थ फोर्टी सेवन विमेन के लिए सर, वो उनका उनका जो ऑब्जेक्ट था एक्ट का, हाँ जी टू सिक्योर द लाइक विमेन कंडीशन, बिकॉज इट इज बीन सीन दैट द विमेन वर सब्जेक्टेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑन द पार्ट डिसेंट ऑफ। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, जो है इसमें बहुत सारे साथी एक साथ मिक्स किए जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि वहां पर बैन है। इसके साथ ही कुछ केसेस थे बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे ही, कोई बता सकता है मुझे? राइट टू सेल लिकर, हाईवे के रिलेटेड केस आया था, हाईवे के कितने दूर, 100 मीटर दूर नहीं बेच सकते, बिहार में लिकर नहीं बेच सकते, उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया ऑर्डर को। कोई बता सकता है कौन से केस में इसको रोका गया था कि लिकर जो है वो हाईवे के 100 मीटर दूर तक नहीं बेच सकते, दुकान नहीं होनी चाहिए? बताइए शशांक, केस का नाम बता सकते हैं आप? सृष्टि, यस सर, क्या केस का नाम था एक बार बताएंगे अगर आपको? सुधीर कुट्टी, सॉरी आई थिंक सुधीर कुट्टी, 500 मीटर था इतना याद है कि हाँ हाँ 500 मीटर बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल फाइव कुछ कुछ एक्सटेंशन को गवर्नमेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बढ़ाया था कि 1 किलोमीटर होनी चाहिए हाँ। तो ये सर। केस का नाम क्या था? इस केस का नाम सुधीर कुट्टी तो नहीं था ना शायद, दिमाग से स्लिप हो रहा है, प्लीज याद आना चाहिए था ये कौन सा केस था। आप लोग बताएंगे, कोई किसी ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा पीछे था क्या 2-3 साल में? 2017 या 16 का केस, 17 का केस। आपके पास रिसेंट जजमेंट्स की मैंने लिस्ट भेजी थी, मेरी एक बुक जो मैंने पब्लिश करी थी, उस बुक में 60 रिसेंट जजमेंट की, आपके पास कंटेंट है वो? सृष्टि, सर 2014, केसेस नहीं तो नहीं, 2000 बिल्कुल पूरे केसेस थे वो, 2014 टू 2017, 60 रिसेंट जजमेंट टाइटल था उसका, और उसमें आपको ये केस मिल जाएगा, आप लोग एक बार देखेंगे, ठीक है, ओके हाँ जी। एम आई ऑडिबल नेहा? यस सर, ओके, ये केस आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा सर्च कर लेंगे, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 48 की हम बात करते हैं। हाँ क्या है 47 में, आप लोगों ने क्या देखा, क्या चीज़ दी गई है आर्टिकल 47 में? सर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ नो लिविंग नो नो, एंड 47, 47 47 में ही सर, हाँ क्या क्या इम्प्रूव है? हाँ हेल्थ इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ, रेज रेजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हाँ एंड द जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 3 चीजें ओके मार्जिनल डिफरेंस। हाँ जी, और बाकी आगे रेट करेंगे एक बार 47 को। द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज अमंग द प्राइमरी ड्यूटीज ये एंड इन तमिलनाडु, पर्टिकुलर, हाँ बेस बस करेक्ट करेक्ट, ठीक है ओके। तमिलनाडु वर्सेस, यस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू, 2016 का केस है, 2017 में, हाँ 17 का केस होगा, ये देख लीजिएगा एक बार, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू 16 का केस है। हाँ
आप लोग ये नोट कर लेंगे, उसमें देख लेंगे कुछ कंडीशंस लगाई गई थी, 1 किलोमीटर या 500 मीटर का कुछ लिमिटेशंस दिया गया था कि हाईवे से 500 मीटर या 1000 मीटर तक की दूरी वहाँ पे कोई भी लिकर शॉप नहीं खोली जाएगी, ठीक है? क्योंकि लोग क्या करते थे, क्यों? ड्रंक ड्राइविंग सर, ड्रंक हाँ ड्रिंक एंड ड्राइविंग ड्राइविंग करते थे लोग, क्या करते थे, देखते थे कहाँ मिल रहा है। अरे लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि मतलब हाईवे से उतर के और 30-30 किलोमीटर तक चले जाते हैं कि कहाँ मिल जाएगी। क्यों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इसको जो एक्सीडेंट्स थे, जो नुकसान हो रहा था, वो सिर्फ एक्सीडेंट से सिर्फ नुकसान किसको नहीं होता है बताइए? जो एक्सपायर होता है या जो एक्सीडेंट होता है जिसका, उसको ही नहीं होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। जैसे किसी की फैमिली में अगर कोई वर्किंग क्लास अगर कोई पर्सन है और उसकी फैमिली में 10 लोग हैं, तो अगर कोई वर्किंग पीपल अगर एक्सपायर हो जाए वो भी एक्सीडेंट में, तो किस पूरे फैमिली को उसका क्षति उठानी पड़ती है। क्यों शशांक? यस सर, तो इसलिए इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया गया, और एक्सीडेंट को कि ये क्या है कि ये रोका जा सकता है, और कुछ तरीके हैं जिनके जरिए रोका जा सकता है। सरकार लगातार इसके ऊपर कदम उठा रही है कि क्या है? कि एक तो इंटॉक्सिकेशन में कोई भी ड्राइविंग ना करे, स्पीड लिमिट चेक की गई, जैसे होता है ना कभी कभार कि कोई भी ड्रिंक करके उसके बाद फिर वो 80, 100, 200 की स्पीड में गाड़ी चलाता है रोड के ऊपर, ठीक है? तो क्या है कि वो पता चल जाए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, कि क्या कर रहा है, रैशफुल ड्राइविंग कर रहा है या फिर वो ड्रिंकिंग ड्राइविंग कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसको रोका गया है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर दी गई। 48 की हम बात करते हैं, आर्टिकल 48 प्लीज़ सस्ती, आर्टिकल 48 रीड करेंगे आप। ओके सर, हाँ जी। 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री on modern and scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other mills and draught cattle. ओके, तो यहाँ पर जो बात आई, यहाँ पर वैसे आपने देखा कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की बात की गई कि ये जो सीड्स इस्तेमाल करते हैं हम, पहले तो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों को हम क्या करें, इम्प्रूव ब्रीड करें। ऐसा ना हो कि हम ऐसी गाय पाले हुए हैं या फिर ऐसा सीड इस्तेमाल कर रहे हैं खेत में जो सिर्फ 1 कुंटल प्रति बीघा ही दे रहा है। तो क्या है, साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किए जाएँ। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रैक्टर का ट्रैक्टर अगर डेवलप हो या ट्रैक्टर अगर इन्वेंशन हो गया है तो बैलों से ही काम लिया जाए। 40 बीघे किसी को अगर वो कल्टीवेट करना है तो वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल ना करे, वो ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करे। तो ये क्या है कि प्रमोट किया जाए लोगों को। आप देखते हैं कि ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलती है, आपको पता है? एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स है या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनके ऊपर सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा कि अगर आप लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई अगर आप खरीदते हैं कोई भी ऐसा इम्प्लीमेंट, उस पर आपको 50% सब्सिडी मिलती है। मतलब अगर आप 2 लाख रुपए का अगर कोई इम्प्लीमेंट खरीदते हैं तो आपको 1 लाख सरकार सब्सिडी देती है। क्यों देती है शशांक? तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहती है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 48 और पॉलिसी है स्टेट। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है सिर्फ किसको बढ़ावा देना चाहती है शशांक, जो खरीद रहा है सिर्फ उसको ही बढ़ावा नहीं मिलता है। अगर वो इक्विपमेंट या वो इम्प्लीमेंट अगर एक क्षेत्र में चला गया सब्सिडी से, तो क्या होगा, वहां पे जो भी लोग रहते हैं आसपास वो सारे क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, वो भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म में वो क्या करेंगे उनके। अच्छा देखिए ऐसा है, जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा होगा गेहूं तो आप लोग जानते हैं ना, क्यों? तो पहले गेहूं जो है उसकी निराई जो होती थी वो काटना पड़ता था हाथ से, लेकिन जब से कंबाइन आई है, कंबाइन आप लोगों ने सुना होगा कंबाइन के बारे में, एक बड़ी सी मशीन होती है ससांग गुरलीन, यस पता नहीं आप हार्वेस्टर, लोगों ने देखा या नहीं देखा, उसे हार्वेस्टर भी कहते हैं। एक बहुत बड़ी मशीन होती है जो क्या करती है, एक ही बार में वो क्या करती है, खेत से गेहूं निकाल देती है बिना किसी मैनुअल हेल्प के, ठीक है? तो ये जो मशीन आई इससे क्या हुआ कि अगर एक व्यक्ति जो पहले 4 बीघे में ही लगा रहता था 15-20 दिन, अब वो क्या है 40 बीघे भी अगर वो कर रहा है ना, तो
तो वो क्या करेगा, मशीन से एक ही बार में उसको काट लेगा। और जिससे फायदे क्या होते हैं गुरलीन? सर मैनुअली मतलब किसी की जरूरत नहीं है, एक ही मशीन पूरा काम कर दी और बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ हाँ, इट सेव्स टाइम फर्स्ट थिंग, एंड इट सेव्स टाइम ऑल्सो एंड फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑल्सो। क्योंकि जब ये जो मौसम है ठीक है गेहूं के समय का, अगर आपने गेहूं को काट करके और अगर खेत में छोड़ दिया तो हो सकता है किसी भी दिन बारिश गिर जाए, किसी भी दिन हो सकता है आंधी आ जाए, ये एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट होता है उस समय, तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती है। तो बहुत पहले क्या होता था, किसानों की फसल क्या होती थी बर्बाद हो जाती, मतलब खड़ी फसल जो है वो गिर जाती थी, मतलब जीरो पर आ जाते थे वो। तो ये जो से हार्वेस्टर ट्रैक्टर और जो भी ये इम्प्लीमेंट्स आए हैं मार्केट में, सरकार इनके ऊपर बहुत सब्सिडी, अभी किसी ने बोला है कि ये फूड सब्सिडी के बाद ये सबसे बड़ी सब्सिडी है। हाँ जी, किसने कहा था ये? क्योंकि ये हो सकता है। और ये सब्सिडी, ये जो आपने देखा ना 48, ये क्या कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किया जाए, एंड इसके साथ ही स्लॉटर ऑफ काउस काव्स एंड अदर मिल्सेस एंड ड्रॉट कैटल्स, इनको क्या किया जाए, इनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ क्या प्रोहिबिट किया गया है? स्लॉटर ऑफ काउस एंड काल्स, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस एंड काल्स। एक तो गाय और बछड़े, काव्स में बछड़े होते हैं ना सर, बच्चे उनके, yes, तो इनको क्या किया जाए, स्लॉटर ना किया जाए, ठीक है। ये प्रोहिबिट किया गया, क्योंकि इसलिए प्रोहिबिट किया गया, ये रिलीजियस भी यहाँ पर इफेक्ट रखता है, इसलिए इनको प्रोहिबिट किया गया। अब एक केस का नाम हम लेंगे जिसका नाम है मिर्जापुर मोती कुरैसी कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाईकोर्ट ने कहा कि नॉट ऑल एनिमल्स, ओनली एग्रीकल्चरल एनिमल्स, नहीं नॉट एग्रीकल्चरल एनिमल्स, काउ एंड काव्स एंड मिल्च एंड डॉट कैटल्स हु हैव नॉट सीज टू, क्या है, हु हैव नॉट सीज टू प्रोवाइड बेनिफिट, ठीक है। ऐसे जानवर उन्होंने रखे जो क्या है कि वो सीज ना हुए हों, जिस तरीके से काम करने लायक ना रहे हों, तो उनको उन्होंने कहा कि काट लीजिए। लेकिन काउ एंड काफ, ये गाय और बछड़े दोनों, इनको कहा कि प्रोहिबिशन है, कंप्लीट प्रोहिबिशन। ओके, केस का नाम क्या नोट किया आपने? वैसे ऐसे सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपको, क्योंकि एक पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं ना। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कसाब, ऐसे करके केस है, पूरा नाम क्या है प्लीज बताएंगे? मिर्जापुर मोती कुरैसी कसाब जमात। हाँ, ये क्या है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, क्या डायरेक्शन दिया, काउ काफ्स अदर मिल्चेज एंड ड्रॉट कैटल्स, ये जो आपने देखा ना कि जो अदर कैटल्स हैं, तो ये अदर कैटल्स क्या है, इस डिस्क्रिप्शन में अदर कैटल्स का मतलब क्या है कि ये एक डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है, इस डिस्क्रिप्शन में सारे आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ खोल करके बताया गया कि काऊ और क्या नाम जो है काफ्स नहीं किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, इस डिस्क्रिप्शन में सारे जानवर आते हैं। लेकिन उसके बाद एक केस और आया, क्यों हनीफ कुरैसी, क्यों शशांक? यस सर, हनीफ कुरैसी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हनीफ कुरैसी में स्टेटमेंट को थोड़ा सा मूव किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा जो ऊपर दिखा था ना कि अदर एनिमल्स वो सीज टू मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स, वो जो सीज कर गए हैं वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो वर्ड है ना, डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन में ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काऊ और यहाँ पर मिल्चेस हैं। बाद में फिर हनीफ कुरैसी में उसको मूव किया गया, हनीफ कुरैसी में थोड़े से गाइडलाइंस दे दिए गए कि किस एज से लेकर किस एज तक के किए जाएँ, ठीक है शशांक। yes. इसके बाद अगर हम बात करें तो अब एक लास्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या है, आर्टिकल बेस्ड ऑन द क्या है, लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल्स, यस, उदारवादी प्रिंसिपल्स हैं कुछ, जिसमें क्या है आप देखेंगे कि कुछ सेकुलर एक्टिविटीज की बात की गई है कि ये सेकुलर एक्टिविटीज सरकार क्या करे, प्रमोट करे,
सर ये जो हमने 48 किया ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 47 भी सर पब्लिक हेल्थ वाला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? हाँ गोलेन सर लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल आर्टिकल बेस्ड ऑन लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो डीपीएसपी में डायरेक्टिव्स हैं वो कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। उदारवादी हैं। उदारवादी का मतलब कौन होता है? वैसे उदारवादी को मैं जहाँ तक मानता हूँ वो हिपोक्रेट्स होते हैं। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समय के मुताबिक बात करते हैं, ठीक है, या फिर सो कॉल्ड सेकुलर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या करते हैं लिबरलिज्म को सिर्फ सेकुलर एंगल से क्यों समझते हैं हमें ये नहीं समझ आता कि सो कॉल्ड सेकुलर जैसे जब भी कह रहे हैं वो लिबरल्स को रिलेट करते हैं तो क्या सिर्फ एक्चुअली उदारवादी? देखिए दो तरीके के लोग होते हैं। देखिए मैं जहां तक जो मेरा मानना है एक पर्सनालिटी सिर्फ दो ही तरीके की हो सकती है, पता कौन सी हो सकती है? एक्सट्रीमिस्ट और लिबरल। बस मतलब हम अगर हिंदू हैं तो हम अपने हिंदू धर्म को प्रोफेस प्रैक्टिस करेंगे, खुल के करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मुस्लिम हैं तो हम अपने धर्म के लिए खुलकर खड़े होंगे। आपके यहां हम आएंगे खुलकर आपसे कहेंगे कि मुझे नमाज पढ़नी है जगह बताइए, ससांग जी सर। ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं मैं तो मुस्लिम हूं लेकिन मैं बस सिर्फ नमाज पढ़ता हूं। कहां पे कहां पे कहां पढ़ता हूं नमाज? मॉस्क में। अरे मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, आप दोस्ती मुझसे रखें या ना रखें, अगर मैं अपने धर्म को साथ लेकर चल रहा हूँ तो आपको मुझे, मैं आपसे लड़ के वो कह सकता हूँ कि ऐसा है आप प्लीज़ रूम के बाहर चले जाइए, मैं अभी नमाज़ पढ़ लूँ 15 मिनट, उसके बाद आइएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे अपने रूम पार्टनर के साथ तो आपको रूम पार्टनर हो सकता है चेंज कर दें। क्यों ससांग जी सर? आपके रिलेशंस में हो सकता है कि थोड़ा सा दूरी आ जाए, इसलिए लोग लिबरल हो जाते हैं। लिबरल क्यों हो जाते हैं? सॉरी लिबरल क्या बताएं अब, वो तुमने जो बताया ना अभी सर, जैसे कि मैं अभी थोड़े दिन पहले न्यूज देख रहा था तो वी कॉल आवर डेमोक्रेसी एज अ लिबरल डेमोक्रेसी। हाँ सो वहां पे भी हम एक इस वर्ड को यूज किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को नहीं रेफर करता लेकिन वी कंसिडर आवरसेल्फ टू बी अ लिबरल डेमोक्रेसी। सो डज दिस लिबरल ओनली इंडिकेट्स अबाउट द रिलीजियस लिबरलाइजेशन और On many fronts, that is what. देखिए जो जहाँ तक मेरा इसको बहुत डिबेट में ले जाने का नहीं है ससांग, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी रिलीजन को फॉलो करता है तो उसको खुलकर उसको बोलने दीजिए। अगर हम हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है और दुर्गा पूजा होती है और पानी में हम अगर मूर्ति विसर्जन करते हैं या गणेश में पानी में विसर्जन करते हैं गणेश के समय में, तो देखिए ये हमारा कस्टम है हम इसको करते हैं, इसको जस्टिफाई आपको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इट्स ओके। और आपको जस्टिफिकेशन लेना भी नहीं चाहिए मुझसे। आप उसमें क्या करते हैं, आप हमारे रिलीजन पे या किसी और के रिलीजन पे जो अदर रिलीजन्स हैं उसमें आप क्या करते हैं, आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, लेकिन कस्टम और पर्सनल लॉज में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं किए जा सकते। अगर एक मंदिर बना है किसी रोड पर और लोग उसमें पूजा करते हैं तो उसके किनारे से रोड निकालिए, उसको तोड़ के रोड मत निकालिए, बस ये होना चाहिए मेरा जो मानना है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप नॉर्मल नहीं यूनिवर्सल प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि देखिए ये स्टेट सेकुलर है, ये सिर्फ एक धर्म के लिए रोड नहीं बन रही है, किसके लिए बन रही है? ससांग ससांग यस सर, ये जनरल पब्लिक के लिए रोड, जनरल पब्लिक के लिए रोड बन रही है, तो इस मंदिर को तोड़ देने में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति जो कई सालों से मतलब एक धर्म को फॉलो कर रहा है, एक प्रैक्टिस में है, वो उस प्रैक्टिस को आप चाहते हैं कि इसको तोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ और भी डिफेक्ट्स हैं इसमें। लोग क्या करते हैं, इसको इतना हाइप देते हैं कि इतनी हाइप नहीं देनी चाहिए मेरा मानना। लेकिन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल की, वो क्या है, वो है सेकुलर प्रोविजंस हैं, जो सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर क्या है, कोशिश की जाए कि प्रोविजन सेकुलर बनाए जाए और स्टेट इंडिवर करे कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं एक व्यक्ति में जो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो किसी भी स्टेटस का हो, वो उसके लिए उन चीज़ों की ज़रूरत है और उस ज़रूरत को वो उसी तरीके से पूरे कर सकता है जिस तरीके से एक व्यक्ति करता है
और दूसरा व्यक्ति भी उसी तरीके से करेगा, तीसरा भी उसी तरीके से करेगा, इट इज़ अ इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन्स। जैसे शादी, मैरिज। अच्छा ये बताइए, अगर मैरिज का एक फॉर्मेट बना दिया जाए और डिवोर्स का एक फॉर्मेट बना दिया जाए, मतलब एक साथ रहने का तरीका और छोड़ने का तरीका एक कर दिया जाए, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस सर, अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हैं, देयर आर वेरियस सब पर्सनल। आई एम जस्ट आस्किंग यूनिफॉर्म सिविल कोड को लीव इट। अगर किसी व्यक्ति की शादी का और शादी को करने का और शादी तोड़ने का प्रोसीजर अगर यूनिफॉर्म कर दिया जाए किसी व्यक्ति का, तो वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, अगर ये प्रोसेस अगर यूनिफॉर्म कर दिया जाए तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। आप लोगों की ओपिनियन अलग हो सकती है, इट मे बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस सर। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर डिबेट होकर के इन प्रिंसिपल्स को इंक्लूजन लिया, इनको क्या करना चाहिए, कंसोलिडेट कर लेना चाहिए, जिससे हमारे पास जो आपने देखा ना कि क्या बोलते हैं पेंडेंसी, बहुत सारी पेंडेंसी इस वजह से भी है कि अलग अलग तरीके के लॉ, अलग अलग तरीके के कोर्ट्स, अलग अलग तरीके के, इनके ऊपर रिसर्च करते 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 केस को 200 साल लग जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता हमारे यहाँ, ये हो सकता है हमारे यहाँ। अगर एक यूनिवर्सल कर दिया जाए सक्सेशन, जो बात कर चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं ज़रूरी है कि किसी के पर्सनल पर्टिकुलर पर्सनल लॉ के ऊपर ये किया जा रहा है, सारे रिलीजन्स को एक साथ देखना, ये सेकुलरिज्म का ही प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात की गई या लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल की बात की गई, उनमें से सबसे पहला आर्टिकल है 44। प्लीज रीड आर्टिकल 44। Yes, sir. Article 44, Uniform Civil Code for the Citizens. The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Okay. तो ये uniform civil code क्या है, कोई बता सकता है मुझे? तो जो भी civil laws country के अंदर हैं, let's say for Muslims they have their independent Islamic or Sharia law for their marriage, divorce. And everything. We Hindus follow a different set of laws. Christians have different set of laws. Jews have not Jews, but other Parsis. Parsis have different set of laws. So constitutions have this idea that all the community at the time of inception of the constitution, every community is very have different custom in their civil things. With time, it should be endeavored by the state that a uniform civil code, all the laws relating to the marriage, divorce, adoption, and guardianship needs to be like. यानी कि जो subject matter ससांक ऐसे हैं जो uniform subject matter हैं civils के, उनके लिए एक code बनाया जाए जिस code के जरिए सारे citizens को उस code से deal किया जाए। नयन। Yes sir. क्या किया जाए? उस कोड से डील किया जाए सब इक्वली। किन किन चीजों को, जैसे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट है, जिनको क्या किया जा सकता है, यूनिफॉर्मली अप्लाई कराया जा सकता है, उन सारे लॉस को इंक्लूड करके और एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाया जाए, और कॉम्प्रिहेंसिव कोड के जरिए उनको डील किया जाए। मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस और उसके अलावा भी सक्सेशन एंड अगर हम बात करें तो और कोई कोड भी बता सकते हैं अगर आप, तो जो भी कॉमन कोड हैं, जो कॉमन कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर अलग अलग लॉज बने हुए हैं, पर्सनल लॉ चल रहे हैं, तो उन सबको मिलाकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश की जाए, ताकि लोगों को क्या मिले लोगों को, क्या फायदा होगा वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से? लाइबिलिटी जैसे आप सबसे पहले हम केस डिस्कस करेंगे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम, क्या फैक्ट थे कोई बता सकता है मुझे? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम AIR 1985।
मोशन एम आई ऑडिबल? मेंटेनेंस का इशू था उसके अंदर, मेंटेनेंस वानो वाज क्लेम। एम आई ऑडिबल सर? आई डोंट थिंक ही इज। ओके 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 ऐश्वर्य हाँ जी बताइए। मोहम्मद शाह बानो, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, AIR 1985। प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट नोट कर लेंगे। मुस्लिम हस्बैंड इज लाइबल टू पे मेंटेनेंस। यहाँ पर एक शादी होती है एक व्यक्ति की, और यहाँ पर शादी होने के बाद तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद आप लोग मुस्लिम लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि एक मुस्लिम मैरिज होने के बाद अगर कोई व्यक्ति डिवोर्स दे देता है तो उसके बाद इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। उस ऑब्जर्व करने के बाद जब तक ऑब्जर्व करना पड़ता है तब तक के लिए उसको क्या मिलता है? मेंटेनेंस। उस ऑब्जर्वेंस में ही उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। ये यानी मुस्लिम हस्बैंड इज लाइबल टू पे मेंटेनेंस टू डिवोर्स वाइफ ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। ये हुआ करता है। लेकिन यहां पर जो है क्या हुआ कि इस प्रोविजन के इस केस में कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मुस्लिम हस्बैंड इज लाइबल टू पे मेंटेनेंस टू डिवोर्स वुमेन बियॉन्ड द इद्दत पीरियड। वैसे वहां पर क्या प्रोविजन था कि ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। ओके तो ये जो ड्यूरिंग इद्दत पीरियड था इसको कहा कि भाई ऐसा है देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने शादी की है तो मुस्लिम हस्बैंड इज लाइबल टू पे मेंटेनेंस टू डाइवोर्सी वाइफ बियॉन्ड द इद्दत पीरियड। एंड ये जो डेड लेटर्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, अभी तक डेड लेटर्स हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया, अभी तक कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया। बट जबकि इट कॉज अ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग द डिस्पैरिटी लॉयल्टी टू लॉज विच हैव कंफ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। ये जो लॉ है ये नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉयलिटी की बात कर रहा है कि आप लॉ फॉलो करिए, और नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है जो कि आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है कुछ मैटर्स में, उन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को रोक करके एक हमारा क्या बने नेशनल इंटीग्रेशन हो जाए और क्या हो कि एक कॉमन कोड तैयार किया जाए कुछ कॉन्सेप्ट पे जो कि यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद एक केस आया जिसका नाम था सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हैव यू हर्ड अबाउट दिस केस? क्यों? Yes, sir. एक केस है, इसके फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति हिंदू होता है, शादी करता है हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए, मैरिज के बाद क्या करता है धर्म परिवर्तन कर लेता है, ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। ओके एंड इस्लाम कबूल करने के बाद वो क्या करता है दूसरी शादी कर लेता है। वेदर ही विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द बाइगेमी अंडर 494? Yes, sir, ये केस yes, sir. हाँ जी whether the second marriage with the second marriage will be void? Yes sir, if the conversion is for the sole purpose of getting benefit of polygamy in that particular religion, then such conversion and the marriage both will be considered void in the eyes of law. matlab kya hai ki 494 ki conditions kya hain? Please, there should be a marriage, valid marriage and living spouse. मतलब वैलिड मैरिज होनी चाहिए, लिविंग स्पाउस तो ठीक है, हाँ ये भी सही है तुम्हारा, जिंदा होने चाहिए, करेक्ट। क्या है वैलिड मैरिज होनी चाहिए, लिविंग स्पाउस, वैलिड मैरिज एंड सेकंड मैरिज इज वॉइड, सोलेमनाइज्ड। सेकंड मैरिज इज सोलेमनाइज्ड, दूसरी मैरिज भी तो वैलिडली सोलेमनाइज होनी चाहिए ना, क्यों बताइए नेहा? अगर एक हिंदू ने धर्म परिवर्तन करके और एक दूसरी शादी की जो मुस्लिम कन्वर्जन करके और उसने निकाह कर लिया, whether this निकाह विल बी कंसिडर्ड एज अ मैरिज फॉर हिंदू एज अ वैलिड और नॉट? हिंदुओं के लिए तो निकाह होता नहीं है, वो तो इम्प्रेस किया ना उसने धर्म को, इट विल बी अ वैलिड मैरिज। आप हिंदू हैं एक शादी कर लीजिए, धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाइए, दूसरी शादी करिए, ये शादी आपकी जो है ये वैलिड होगी, सब्सिक्वेंट मैरिज इज वैलिड।
पहली भी मैरिज वैलिड है, सब्सिक्वेंट भी वैलिड है, लेकिन अब बात आती है कि वेदर देयर इज अट्रैक्शन ऑफ 494 इन दिस केस। सर इस केस में तो कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया था। इलीगल इसमें एक वर्ड है मैरिज इन एनी केस, इस वजह से इसको अट्रैक्ट किया। मैरिज इन एनी केस दूसरी चीज है और आईपीसी का जो प्रोविजन है वो सेकुलर प्रोविजन है, इट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम्स। तो यहाँ पर क्या था कि इस केस में कहा गया, देखिए ये 494 को अट्रैक्ट कर रहा है एंड ही विल, इट इज़ अ पनिशेबल एंड विदाउट अ फर्स्ट मैरिज हैविंग बीन डिसॉल्व, दिस स्टेटस ऑफ वाइफ, दिस इज क्वा स्टेटस, सॉरी दिस इज अ इट इज़ अ स्टेटस ऑफ वैलिड वाइफ। अगर दूसरी वाइफ की बात की जाए तो क्या होगा, इसको वैलिड वाइफ माना जाएगा, लेकिन विदाउट द फर्स्ट मैरिज हैविंग बीन डिसॉल्व, ये अगर आपने किया है तो ये 494 को अट्रैक्ट करता है, मैरिज को वाइड नहीं करता है। क्यों ससांग? यस सस्ती, आप अगर ये कह दें कि हिंदू कन्वर्ट मुस्लिम अगेन मैरिज, तो अगर आप ये कह दें सर हमने तो हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, हमें उससे मतलब ही नहीं है वाइफ से, जब हम हिंदू नहीं रहे तो शादी कहाँ से रही? क्यों, क्या करना पड़ेगा सस्ती? पहली मैरिज डिसॉल्व करनी होगी। आप हिंदू रहें या ना रहें, लेकिन आप जहाँ से आ रहे हैं पहले उससे निपट तो लीजिए सही से। क्यों, जो उसके जो क्लेम्स हैं वो पहले, जो उधारी नकदी ब्याज सारा आपको क्या करना पड़ेगा आपको? सर आप ये जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर केस का है ये? रश्मि अभी आप कहाँ थी वैसे? मैं यहीं पे हूँ। किस केस का नाम मैंने बताया था अभी, किस केस की बात कर रहा था मैं? सरला मुद्गल। क्वेश्चन आपका क्या है? सर क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, मैं जस्ट पूछ रही हूँ क्योंकि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको वॉइड बोला गया था। लिली थॉमस में इसके व्यू को क्या किया गया था, मॉडिफाई किया था, ठीक है? इस व्यू को क्या किया था लिली थॉमस में, इस व्यू को, इसके व्यू को मॉडिफाई किया था, और इसमें एक पॉइंट और जोड़ा था, ठीक है? कि हाँ लिली थॉमस में थोड़ा सा एक बार प्लीज़ बताइएगा। हाँ सस्ती आप ही बताइए रश्मि, क्या था एक बार मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये व्यू मॉडिफाइड है, ओवर रूल नहीं कहेंगे इसको, व्यू मॉडिफाई किया था। हाँ रश्मि बताइए। इसमें बोला गया था कि सेकंड मैरिज विदाउट डिवोर्स फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। रश्मि कहीं बाहर हैं क्या आप? नहीं सर। बहुत आपकी आवाइस बहुत ही इको कर रही है, ट्राई करिए एक बार प्लीज बताने की कोशिश करिए। एम आई ऑडिबल रश्मि? हाँ जी। यस सर। हाँ बताइए। सर अगर कोई फर्स्ट मैरिज जब तक डिसॉल्व नहीं होती है उसके पहले अगर दूसरी मैरिज की जाती है तो वो वॉइड मानी जाएगी, वो चाहे जिस भी कंडीशन में हो। सर इसमें 494 के मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन में भी नोट में है कि गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ स्टेट ही है AIR 1979 में, कि इसमें भी बोला गया है कि अगर आप मैरिज परफॉर्म की जाती है सारे एसेंशियल सेरेमनीज के साथ भी, फिर भी ये वॉइड ही होगी। थोड़ा सा फैक्ट में कुछ बदलाव है ससांक? सस्ती अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे वैसे, सरला मुद्गल में क्या? अंडर वर्च्यू ऑफ सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये सर आईपीसी का। रश्मि 17 हिंदू मैरिज एक्ट का यही कहता है कि 494 में प्रोसिक्यूशन होगा। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज ये है कि सरला मुद्गल में क्या फैक्ट थे मैंने बताया ससांक, एक बार बताइएगा। सर अभी हम बेसिक ही डिस्कस कर रहे थे। एक व्यक्ति क्या है जो कि हिंदू है और वो क्या करता है, बिना अपनी मैरिज को डिसॉल्व किए हुए मुस्लिम धर्म स्वीकार करके, और वो क्या करता है,
दूसरी शादी करता है, दूसरी शादी करता है। अब बात आती है कि हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए अगर इसको बाइगैमी में लाना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा? देयर मस्ट बी अ वैलिड मैरिज लिविंग स्पाउस, जो आपने बात करी शशांक, करेक्ट? सेकेंड थिंग सेकेंड मैरिज शुड ऑल्सो बी वैलिड। रश्मि? यस सर। सेकेंड मैरिज शुड ऑल्सो बी वैलिड, दोनों मैरिज वैलिड होनी चाहिए, तब आपके ऊपर 494 चालू होगा। अगर आपकी सेकेंड मैरिज वाइड है या फिर फर्स्ट मैरिज वाइड है, आपने मंदिर में जाके सिर्फ माला पहन के घर चले आए थे पहली बार। हाँ नयन प्लीज। सर फैक्ट्स मोर ओवर सेम ही थे, बट बेसिक डिफरेंस यही था कि इसमें दोनों मैरिज को वैलिड बोला गया था, बट शादी को इलीगल बोल के फोन सेक्शन 494 को लाया गया था, उसमें दूसरी मैरिज को ही वॉइड कर दिया था पूरी तरह। सर बेसिक डिफरेंस सिर्फ यही था। हाँ एक्चुअली ऐसा था कि जो हमने रेशियो बताया कि विदाउट द फर्स्ट मैरिज बीइंग मैरिज हैविंग बीन डिसॉल्व वुड बी वैलिड क्वा द वाइफ हु कॉन्टिन्यूड टू बी अ हिंदू। ये क्या होगा, ये मैरिज क्या है, वैलिड है, सेकेंड मैरिज भी वैलिड है, और हिंदू वाइफ जो है वो कॉन्टिन्यू टू बी हिंदू है, तो ये 494 सरला मुद्गल में 494 को अट्रैक्ट किया गया। और आपने बताया लतीफी में क्या था, क्या नाम था उसका दूसरा केस का नाम, लिली थॉमस में इसके व्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, जो कि आप लोग अभी बता रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास अभी स्टेटमेंट नहीं है उसका, प्रॉपरली मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं बिना देखे मैं उसको कैसे मैं कह सकता हूं अभी, ठीक है? तो इसको हम एक बार रोक देते हैं। इसमें जो जितेंद्र पर्सन था लिली थॉमस में, वो रीकन्वर्ट हुआ था वापस से हिंदू, उसकी जो वाइफ थी उसके पास जा। एक्चुअली हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिबेट बाद में कर लेंगे, क्योंकि पता क्या इसमें है कि जो लिली थॉमस का व्यू है उस फैक्ट से अलग है, ठीक है? तो लिली थॉमस के जो ये सरला मुद्गल है इसके व्यू को मॉडिफाई किया है जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है, और ओवररूल तो नहीं किया था, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर हम पॉइंट को रोक लेते हैं। और हम नहीं सर, रिव्यू किया है, ओवररूल नहीं किया है। हाँ, इसको हम एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है? इसके हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है आपका लिली थॉमस का, ठीक है, उसको हम बात करेंगे। लेकिन जो हमारा यहाँ पर जो जनरल डिस्कशन है वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो केसेस हमने डिस्कस किए, पहला केस कौन सा था? हाँ जी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो, उसके बाद सरला मुद्गल वर्सेस सरला मुद्गल। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट लाइन में सरकार को यही लिखा है, क्या लिखा है, कि देयर शुड बी अ जनरल मैट्रिमोनियल लॉ, यूसीसी, स्टेट शुड ट्राई टू एंडेवर फॉर इन्फोर्सिंग दिस यूसीसी। यूसीसी के लिए लॉ लाने की कोशिश की जाए, इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की जाए, ठीक है? सर अभी लॉ कमीशन से रिपोर्ट भी मांगी थी गवर्नमेंट। हाँ, अभी इससे पहले ही यूसीसी को करने की कोशिश की जा रही थी, शायद अगर ये कोरोना नहीं होता तो मुझे लगता है कि शायद ये लोग इसके लिए भी लॉ ला चुके होते, तो ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हुआ, ठीक है? इसके अलावा ठीक है, एक बार प्लीज, एक और केस इसके बाद था जो कि डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, ये केस आप नोट कर लेंगे प्लीज, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2001। In this case, court discussed the problem of a Muslim divorcee woman. In this case, court discussed the problem of divorced Muslim woman. And interpreted liberally section 3 of the Muslim Women
प्लीज स्विच ऑफ योर माइक प्लीज एनीवन, देखिए आप लोग अपना माइक, शायद सारे लोगों के माइक एक बार ऑन ऑफ। यस करेक्ट, कोर्ट लिबरली, सॉरी कोर्ट डिस्कस लिबरली सेक्शन 3 ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन अ डाइवोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन अ डाइवोर्स एक्ट 1986। Has ruled that Muslim husband is liable to make provision for the future of divorcee wife even after the iddat period। अभी आपने जो बात की थी वो क्या थी, सबसे पहले हमने जो केस की बात की थी, कौन से केस की बात की थी हमने, अहमद खान वर्सेस शाहबानो का किया था ड्यूरिंग इद्दत पीरियड तक का। हाँ, तो इस केस में कहा कि देखिए ये सेक्शन 3 जो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, इसको थोड़ा सा लिबरली लेना चाहिए और इसको इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम हस्बैंड जो हैं वो क्या करें, दे शुड मेक प्रोविजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द डाइवोर्सी वाइफ इवन आफ्टर द इद्दत पीरियड, उनके मेंटेनेंस के लिए कुछ उनको सोचना चाहिए, उनको लॉ बनाना चाहिए, कोई ऐसा प्रोविजन उनको देना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर आगे चल के उनका काम चल सके और वो रह सकें। ठीक है, तो ये इद्दत पीरियड के बाद भी ये करना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 44 के बाद अगर हम बात करते हैं जो लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें 45 की हम बात कर लेते हैं आज, और एक बार रीड करेंगे प्लीज 45 को। What is given under Article 45, Verlin? Sir, 45 says provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. Okay. The state shall padu. Haji. The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. आर्टिकल 21A एंड 45 एंड एक और आर्टिकल है जहां पर अमेंडमेंट हुआ था, एक याद है आप लोगों को, हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 21A को पढ़ते समय, राइट टू एजुकेशन, बाय विच अमेंडमेंट दीज आर्टिकल्स वर एडेड एंड इंसर्टेड या सब्स्टिट्यूटेड एंड इंसर्टेड, कुछ आर्टिकल इंसर्ट किए गए कुछ सब्स्टिट्यूट किए गए, तो 86 amendment 2002 article 21A that is a right to education substituted in 45 and insertion of fundamental duty, there is one fundamental duty, kaun si fundamental duty, 11th fundamental duty, kya hai 11th fundamental duty koi batayega, The duty of parents to educate their children between the age group of 6 to 14 years. Okay, where this duty is given? 51AK. 51 capital A, small? K. K, yes Prashant, please. Sir, wo galti se hoga. Okay, by 86 Amendment 2002, Article 21 capital A, substitution in 45 and insertion of 11th duty, 11th fundamental duty, that is a 51 capital A small k. तो ये जो तीनों चीज़ें ऐड की गई इसमें हम बात कर रहे हैं 45 की, और एक डिफरेंस है जो मैंने डिस्कस किया था, कोई बता सकता है क्या डिफरेंस था, मैंने एज ग्रुप का डिफरेंस था, बताइए। और आर्टिकल 21 में क्या है, 6 to 14 years एंड 45
45 until the age of 6 years. At the age of 6 years, and 51K में between the age of 6 to 14 years. तो ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन में आपने देखा कि आर्टिकल 21A जो है वो बाद में आया, मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन में आपने देखा था कि क्या है ये राइट टू एजुकेशन, क्या है इसको फंडामेंटल राइट बताया गया, और उसके बाद फिर 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया। लेकिन उससे पहले डीपीएसपी में जो ये है ये प्रोविजन दिया गया था, ये नहीं कहा जा सकता कि बिफोर 86 अमेंडमेंट देयर वाज नॉट एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ससांग मींस बिफोर 86 अमेंडमेंट व्हेन इट वाज नॉट एक्सप्रेसली फंडामेंटल राइट डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट देयर वाज आल्सो अ प्रोविजन इन 45 देयर वाज अ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 45 which provides the directives to the state, which gives direction to the state that from this age to this age, एक क्या limit है, 0 to 6 year, at the age of 6 year, ये लिखा है ना सर, क्या लिखा हुआ है? Below the age of 6 years, तो ये क्या है, economic capacity को देखते हुए, क्या है? इसमें यहाँ पर सब्सटीट्यूशन क्या किया गया, प्लीज एक बार बताएंगे मुझे, 45 में जो सब्सटीट्यूशन है वो क्या किया गया, इससे पहले क्या था, आप लोग फुटनोट देखिए। तो पूरे के पूरे आर्टिकल ही नया है ये, पहले दिया नहीं है। क्या चीज? पूरा का पूरा आर्टिकल बदला गया है 2002 के अंदर। सर पहले शैल था, फिर अमेंडमेंट के बाद इसमें शैल एंडेवर ऐड कर दिया गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही कहा सृष्टि आपने, ये क्या था, मैंडेटरी क्लॉज हो गई थी इनके लिए, और पैसा इनके पास नहीं था, इनके पास पैसा नहीं था, और ऊपर आपने देखा कि ये डायरेक्टिव्स हैं, इन्हें इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता था, और इकोनॉमिक कैपेसिटी को देखते हुए क्या करेंगे, स्टेट सेल एंडीवर टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, फ्री एजुकेशन कितने साल तक के बच्चों के लिए, बिलो द एज ऑफ सिक्स ईयर्स। तो आप देखते होंगे कि कोई फीस नहीं पड़ती है, खाना मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सरकार ने इस तरीके के प्रोविजंस बनाकर रखे, और इसको अमेंड करके क्या किया इन्होंने, स्टेट सेल एंडीवर आगे उन्होंने जोड़ा, पहले क्या दिया था, ओनली शैल सेल। तो ये आर्टिकल 45 आपने देखा, और 45 के बाद हमने शायद बाकी के प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले ही, क्यों बताइए, इसके साथ ही लिबरल प्रोविजंस में आप लोग एक लिस्ट नोट कर लेंगे पूरे के पूरे प्रोविजंस की, 44, 45, 48, 48A, 49, 50 and 51। तो नेक्स्ट आप 48 रीड करेंगे प्लीज, गुरलीन। यस सर, 48 ना? हाँ जी 48, हाँ यस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, हाँ, द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। ओके प्लीज, एंड शैल, ये हमने प्रोविजन कहाँ पर डिस्कस किया था, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में भी हमने डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पर जो नॉन वायलेंस है उस प्रोविजन की वजह से ससांग हमने वहाँ डिस्कस किया था, याद है आपको ससांग? यस सर। ड्यू टू द प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय गांधी जी, दैट इज नॉन वायलेंस, हमने वहाँ पर प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि गाय हैं और बछड़े हैं, जानवर हैं, इनको क्या नहीं किया जाए, स्लॉटर न किया जाए। लेकिन जो ये लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक यहाँ पर जो बात है वो क्या है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। तो यहाँ पर सारी किसी भी तरीके की ब्रीड है वो एग्रीकल्चर की या एनिमल की ब्रीड है, उसको क्या किया जाए, साइंटिफिक लाइंस पर उसको क्या किया जाए, एक तरीके से डेवलप किया जाए। पुराने ब्रीड्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं फुल पे, आजकल आप देख रहे होंगे अमेरिकन गाय आती हैं, सुना है आप लोगों ने, वो करीब 20-20 लीटर दूध देती हैं अमेरिकन। तो क्या है कि अगर ये ब्रीड्स चेंज नहीं करेंगे तो हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, जर्सी, यस जर्सी काउज। तो
और भी बहुत सारे हमने वो बफेलो हो या बाकी और एनिमल्स हो उनकी हमने ब्रीड्स को क्या किया है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि उन यानी कि एडवांस्ड लाइन पर हमको रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हम खिला रहे हैं गाय को और भैंस को 10 किलो पता हुआ दूध दे रही है सिर्फ 1 किलो, तो क्या होगा, हमें हर उस तरीके के बिजनेस में नुकसान होगा या उस तरीके की चीज़ों को हमको नहीं करना है। हमें एडवांसमेंट करते रहना है और साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करना है। एंड इसके बाद एक आर्टिकल है 48A, गुरलीन, यस सर, 48A एक बार रीड करेंगे। हाँ जी, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Okay, अगर आप बात करेंगे constitution में, तो constitution में there are lot of provision relating to protection of environment and wildlife, या फिर वो rivers हों या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि natural flowing है, उसकी improvement और protection की बात की गई, जैसे forest है, wildlife, environment, या वो रिवर्स हैं या फिर वो वाटरवेज हैं। तो बात आती है कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर आपको एनवायरनमेंट की बात मिलती है, प्लीज़ कोई बता सकता है मुझे, वेयर यू कैन फाइंड द प्रोटेक्शन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ या इनसे सारे चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। व्हाट आर द आर्टिकल्स? 51 कैपिटल ए जी एंड 47 में क्या दिया गया है, कोई प्रोविजन है 47 में भी? क्यों सर, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है इसलिए वहां पर नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और इन सब चीजों को रखा गया है, ठीक है। एक केस का नाम मैं लेना चाहता हूं जिसका नाम है ताज हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट केस। कोई बता सकता है ये किससे रिलेटेड केस है, इसका नाम अगर कोई बता सकता है? पोल्यूशन से रिलेटेड। ताज तपोजियम है वो, पोल्यूशन से तो नहीं है ये, तो जो स्टोन खराब हो रहा था ताज महल, दैट इज अ ताज तपोजियम सर। मथुरा रिफाइनरी वाला ना? नहीं नहीं, वो ताज तपोजियम मथुरा रिफाइनरी वाला है, ठीक है, लेकिन ये केस है ताज हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जिसमें क्या किया गया था, करीब यमुना के कोर्स को शायद चेंज करने की बात हो रही थी और ये ताज हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, इसको रोक दिया गया था, नहीं बनाया गया। क्यों? यस सर, याद है, बसपा गवर्नमेंट में। यस सर, तो वैसे ये केस सॉरी एनवायरनमेंट से नहीं है, ताज तपेजियम एनवायरनमेंट से था, लेकिन ये केस है मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करने का जो कि अभी हम 49 में देखेंगे, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। प्लीज 49 एक बार प्लीज रीड करेंगे आपको। आप लोगों ने देखा था पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, प्रिकॉशनरी डॉक्ट्रिन एंड पोल्यूटर प्लेस प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। इनके लिए स्पेसिफिक केस लॉज बताए थे हमें, याद है आपको? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन कहाँ पर डेवलप किया गया या इवॉल्व किया गया? मंत्री मेहता वर्सेस कमलनाथ। एंड पोल्यूटर प्लेस प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, बताइए। रश्मि? यस सर। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, ये किस केस में डेवलप हुए या इंट्रोड्यूस किए गए थे? सर, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, दैट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट लीगल एक्शन, इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो, क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो लीगल एक्शन कमेटी, शायद याद आया होगा आप लोगों को। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यों शशांक?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेलफेयर सिटीजन वेलफेयर फोरम, क्यों? आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। चलिए 50 के बारे, सॉरी 49 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक बार रीड करेगा कोई भी 49? देखिए क्या प्रिंसिपल है, क्या सेकुलर, हाँ ये भी सेकुलर एक्टिविटी है। ज़रूरत नहीं है कि वो ताजमहल हो या फिर वो राम महल हो या फिर वो बौद्धिस्ट हो या फिर वो ईसाई हो, कोई भी मॉन्यूमेंट है। प्लीज़ हाँ एक बार प्लीज़ रीड करिए। Protection of monuments and places or places and objects of national importance. Yes. It shall be the obligation of the state to protect every monument or place or object of artistic or heuristic, historic interest declared by or under any or under law made by Parliament to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal. और एक्सपोर्ट एज द केस में भी। ओके, तो अगर कल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उसका गेट तोड़ करके और वहाँ पर लोहे का गेट लगवा दिया जाए तो वेदर इट कैन बी पॉसिबल, क्यों? कैन गवर्नमेंट डू दिस, वेदर इट इज अ मॉन्यूमेंट? It is not declared as a monument, sir. It is not declared as a monument. Sir, I think it is of historic importance. Sasank, it is a national importance, institute of? Yeah, that is of course of national. It is a institute of national importance. So it can be protected. क्यों? Yes. और कहाँ से declare किया जाना चाहिए? Competent कौन है इसको declare करने के लिए? ASI, sir. Not ASI, Parliament, Sasang. BHU and AMU, both are Institute of? National Importance. And given in the given in the Union List, दी गई है ना कि ये National, these Institute are a National Importance established by the Act of Parliament. क्यों Sasang? तो कोई भी मॉन्यूमेंट अगर है, अगर उसको इम्पोर्टेंस मिली हुई है, नेशनल इम्पोर्टेंस मिली हुई है और वो हिस्टोरिकल मतलब उसकी थोड़ा सा डिक्लेयर्ड है, पार्लियामेंट उसको बताती है कि नेशनल इम्पोर्टेंस का है, तो इसको क्या करना है, स्टेट सेल एंडीवर टू प्रोटेक्ट दैट मॉन्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पर ताज हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चलाने की बात हुई, यमुना को कोर्स बदलने की बात हुई थी और वो करीब 70 या 76 किलोमीटर किलोमीटर में था, या थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे कि कुछ ज़मीन थी जो कि उसके ऊपर प्रोजेक्ट ये चलने वाला था। तो एमसी मेहता वर्सेस